159 article says giving an as evidence of documents called for and produced on notice. When a party calls for a document which he has given the other party notice to produce, and such documents is produced in and respected by the party calling for its production, he is bound to give it as evidence if the party producing it requires him to do so. अब ये आर्टिकल हमें एक बात बिल्कुल क्लियर कह रहा है कि अगर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बारे में एक पार्टी ने जो है वो डॉक्यूमेंट किसी ने किसी दूसरी पार्टी के, यानी जो कंटेस्टिंग पार्टीज हैं उनमें से एक, मिसाल के तौर पर हम अगर कहते हैं कि पिटिशनर ने वो डॉक्यूमेंट्स जो है डिफेंडेंट को दिए हुए थे और कोर्ट से नोटिस निकलवाती है पिटिशनर पार्टी के भाई हमें जो है वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस करवाए जाए डिफेंडेंट से, तो जब वो डॉक्यूमेंट डिफेंडेंट ले आता है कोर्ट में और पिटिशनर उसको कंफर्म करता है कि जी हाँ ये वही डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो एज एन एविडेंस जमा करवाना लाजमी है। ऐसा नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में आ जाए फिर पिटिशनर कहे कि नहीं मैं इसको एज ए एविडेंस नहीं लेना चाहता हूँ, ऐसा वो नहीं कर सकते हैं। जब भी कभी कोई डॉक्यूमेंट्स कॉल किए जाएंगे ऑन द नोटिस ऑफ द कोर्ट, those documents if produced and identified by the petitioner, then these could be the part of the record of court file. उनको court file के अंदर as a record जो है mention करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो इनकार नहीं कर सकते कि जनाब नहीं ये document हम जो है वो court के record पे नहीं रखना चाहते हैं। अब हमारे पास आर्टिकल 160 आ गया, यूजिंग एज एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन ऑफ विच वाज रिफ्यूज्ड ऑन नोटिस। अच्छा, अब अगर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको नोटिस दिया गया प्रोड्यूस करने के लिए लेकिन पार्टी ने उनको प्रोड्यूस नहीं किया गया तो उनकी क्या हैसियत होगी। व्हेन अ पार्टी रिफ्यूजेस टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट विच ही हैज हैड नोटिस टू प्रोड्यूस, ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड्स यूज द डॉक्यूमेंट्स एज एविडेंस without the consent of the other party or the orders of the court. अब क्या हुआ कि अगर मिस्टर ए ने, जैसे पिटिशनर ने अगर मिस्टर बी के पास वो डॉक्यूमेंट्स रखवाए थे और वो उन्होंने जब कोर्ट ने नोटिस दिया उन्होंने प्रोड्यूस करने से इनकार कर दिया, प्रोडक्शन नहीं की उन डॉक्यूमेंट्स की और कहा कि हमारे पास वो है ही नहीं या कोई भी बहाना करके उनको रिफ्यूज कर दिया, बाद में ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट अगर वो चाहे कि उसी सेम डॉक्यूमेंट को एज एविडेंस लेकर आए तो वो तब तक नहीं प्रोड्यूस कर सकते जब तक के पिटिशनर नो ऑब्जेक्शन ना दे या जब तक के कोर्ट जो है उनको अलाउ ना करे। अगर वो कोर्ट नोटिस पे ले आते हैं तो वो कोर्ट का जो है वो पार्ट ऑफ द कोर्ट रिकॉर्ड बन जाएंगे, लेकिन अगर वो कोर्ट के नोटिस के ऊपर प्रोड्यूस करने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि जी हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है या जो भी उनके व्हाटएवर जो भी उनका बहाना होता है, तो फिर बाद में अगर वो उसको लाना चाहते हैं ऑन रिकॉर्ड तो उसके लिए फिर उनको पूरा जो है वो प्रोसेस फॉलो करना होगा। एडिशनल एविडेंस की एक एप्लीकेशन होती है वो फाइल करनी होगी उनको एडिशनल एविडेंस की एप्लीकेशन के साथ, फिर अगर वो अदर साइड उनको नो ऑब्जेक्शन देती है और वो कंसेंट देती है और फिर कोर्ट उनको अगर अलाउ करे तभी वो कोर्ट के रिकॉर्ड में उसको जो है शामिल किया जा सकता है, अदरवाइज उनको नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब हम आ जाते हैं 161 पर। 161 हमारा आर्टिकल कहता है जजेस पावर टू पुट क्वेश्चन और ऑर्डर प्रोडक्शन, द जज मे इन ऑर्डर टू डिस्कवर और ऑब्टेन प्रॉपर प्रूफ ऑफ रिलेवेंट फैक्ट्स आस्क एनी क्वेश्चन ही प्लीजेस इन एनी फॉर्म एट एनी टाइम ऑफ द विटनेस और ऑफ द पार्टीज अबाउट एनी फैक्ट रिलेवेंट और इररिलेवेंट एंड मे ऑर्डर द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और थिंग्स एंड नाइदर द पार्टीज नॉर देयर एजेंट्स शैल बी एंटाइटल्ड टू मेक एनी प्रोजेक्शन और एनी ऑब्जेक्शन to any such question or order, nor without the leave of the court to cross-examine any witness upon any answer given in reply to the such question, provided that the judgment must be based upon facts declared by order to be relevant and duly proved. Provided
that this article shall not authorize any judge to compel any witness to answer any question or to produce any document which such witness would be entitled to refuse to answer or to produce, and under the article 4.2.14, both the inclusive, if the questions were asked or documents were called for by adverse party, nor shall the judge ask any question which it would be improper for any other person to ask under article 143 or 144, nor shall be dispensed with the primary evidence of any document except in cases herewith accepted the proof. Achha. अब इसके अंदर ये बात जो है इसने तीन हिस्सों में की है. पहला हिस्सा इसका पार्ट जो वन है उसमें वो कह रहा है कि अगर जज को महसूस होता है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द केस के कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा रिलेवेंट हैं और उनका प्रोड्यूस होना बहुत जरूरी है कोर्ट के अंदर. जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी फैक्ट के ऊपर जो है उनका आपस में कॉन्ट्रोवर्सी आ रही है और वो फैक्ट ऑन रिकॉर्ड है, तो उसका रिकॉर्ड अगर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में है या किसी डिपार्टमेंट्स के पास है तो वो रिकॉर्ड पूरा एज इट इज कोर्ट कॉल कर सकती है. नंबर टू इसमें दूसरा मरहले में कहता है कि अगर मिसाल के तौर पर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट, यानी विटनेस अगर अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहा है और जज को महसूस होता है कि इसमें कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो के सामने आना रह गए हैं या जिनका जो है क्लियर होना या जिनके डाउट का क्लियर होना बहुत जरूरी है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जज चाहे तो कोई सवाल कर सकता है विटनेसेस के साथ कि जनाब आप इस सवाल का जवाब दें. अच्छा, अब ये एक हो गया इसका जो है वो पार्ट. और दूसरे पार्ट में फिर ये इसी आर्टिकल के अंदर लिखता है कि अगर कोर्ट ऐसा आंसर कोई ऐसा कोई क्वेश्चन पूछती है या ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स मंगवाती है उसके ऊपर किसी भी पार्टी को एतराज करने का कोई हक नहीं होगा. और अगर कोई भी इस किस्म का सवाल जो कि किसी भी रिलेवेंट फैक्ट या इवन इररिलेवेंट फैक्ट हो लेकिन वो कोर्ट समझती है कि जरूरी है केस के अंदर पूछना, कोई क्वेश्चन पूछा जाए और उसका आंसर आए, तो उसके आंसर के ऊपर क्रॉस करने का भी राइट किसी पार्टी के पास नहीं होगा. और इसका जो आखिरी जो लास्ट इसका जो पैरा है जिसमें प्रोविजो है अलग से, उस प्रोविजो के अंदर कहा गया है कि कोर्ट कॉल कर सकती है वो डॉक्यूमेंट, लेकिन कोर्ट कंपेल नहीं कर सकती, मजबूर नहीं कर सकती किसी को कि वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे. या अगर कोई विटनेस से कोर्ट ने कोई आंसर यानी जज ने कोई क्वेश्चन पूछा है और वो जो जो भी विटनेस है उसका जो भी आंसर देना चाहे तो वो अपनी जो है मर्जी से उसका आंसर दे सकता है और कोर्ट या जज जो है उसको कंपेल नहीं कर सकता, मजबूर नहीं कर सकता कि वो जो है वो किसी कोई पर्टिकुलर आंसर दिया जाए उसका. यानी आंसर जो है वो डिस्क्रिशन के ऊपर होगा विटनेस की और प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी इसी तरह से उसकी डिस्क्रिशन पर होगी कि पार्टी के पास अगर वो मौजूद है तो वो उसको जो है वो प्रोड्यूस करेगी पार्टी, और अगर वो पार्टी के पास मौजूद नहीं है तो फिर पार्टी को जो है मजबूर यानी कि जो भी उसको डॉक्यूमेंट है उसको मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो प्रोड्यूस करे. अच्छा, अब उसके अंदर कह रहा है कि आर्टिकल 4 से लेकर आर्टिकल 14 यानी 14 तक, ठीक है. अब उसके पास आर्टिकल ये जो हमारा आ रहा है इसके अंदर आर्टिकल 4, इसमें जज एंड मैजिस्ट्रेट आ गया, उसके बाद कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज आ गया, उसके बाद एविडेंस एज टू ऑफ, यानी ये जर्नल एक्सेप्शन है हमारी 4 से लेकर 14 में हमारे पास जर्नल एक्सेप्शन है जिसके अंदर जो है ये क्लियर किया गया है कि अगर जो है वो विटनेस चाहे तो उसको जनरल एक्सेप्शन हासिल है, वो उन तमाम उन चीजों से रिलेवेंट क्वेश्चंस के आंसर नहीं देने के लिए वो पाबंद और वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए भी पाबंद नहीं है. उस जनरल एक्सेप्शंस के अंदर मैजिस्ट्रेट या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल आ सकता है, उसके अंदर उनकी कोई कॉन्फिडेंशियल अगर कोई किसी किस्म की जो है वो कन्वर्सेशन है तो वो सारी चीजें उसके अंदर आती हैं, ठीक है. और उसके बाद आ गया कि 143 और 144 आर्टिकल, ठीक है. अब उन्होंने कहा है कि जनाब 4 से लेकर 14 तक तो जनरल एक्सेप्शन है, उसमें तो जो है वो जज कंपेल कर ही नहीं सकता किसी भी तरह अगर वो पार्टी
रिफ्यूज करना चाहे तो रिफ्यूज भी कर सकती है उसकी प्रोडक्शन को, और जो है अगर वो जो है कोई क्वेश्चन पुटअप होता है उनसे तो वो उसका आंसर देने के लिए उनकी अपनी डिस्क्रिशन है। अब 144 और 143 के बारे में ये कह रहा है कि जनाब 144 और 143 के बारे में जो है कोर्ट क्वेश्चन कर सकती है। अच्छा, अब 143 हमें कह रहा है कि कोर्ट टू डिसाइड व्हेन क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड एंड व्हेन विटनेस कंपेल्ड टू आंसर, यानी अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि वो उस सवाल के ऊपर डिपेंड करता है कि जो है वो क्या डिसीजन होगा केस का, यानी पूरा जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है उस पर डिपेंड कर रहा है, वो ऐसा एक पॉइंट है जिसके क्लियर होने से केस का फैसला आसानी से हो सकेगा, तो कोर्ट उसको कंपेल कर सकती है। ठीक है, और 144 में हमें ये कहता है क्वेश्चन नॉट टू बी आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स, यानी अगर कोई रीजनेबल ग्राउंड बिलीव जो है वो एग्जिस्ट करता है कि ये सवाल जो है इसका जवाब आना रिकॉर्ड पर बहुत जरूरी है, ऐसी सूरत हाल में भी जज जो है वो विटनेस को कंपेल कर सकता है। यानी ऑन वन हैंड उन्होंने कहा कि अगर विटनेस आंसर ना करना चाहे तो जज उसको कंपेल नहीं कर सकता आंसर करने के लिए, ऑन अनदर हैंड प्रोविजो में प्रोवाइड किया कि अगर वो सवाल इस नौयत का है कि वो केस को किसी भी तरह से डिसाइड करने के लिए जरूरी है, तो ऐसी सूरत हाल में कहा गया है कि जज उसको कंपेल कर सकता है जवाब के लिए। ठीक है, 162 आर्टिकल हमारा कहता है कि नो न्यू ट्रायल फॉर इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन। अच्छा, अब ये जो है इसके लिए जो है डी नोवो ट्रायल के नाम से एक लैटिन जो है यूं समझ लें कि एक मैगजीन है, डी नोवो ट्रायल के ऊपर जो है ये आर्टिकल डिपेंड करता है। डी नोवो ट्रायल का मतलब होता है कि कोई भी न्यू ट्रायल नहीं किया जाएगा, यानी कोई एक चीज जो ऑलरेडी जिसका पूरा कंप्लीट हो चुका है ट्रायल उसको दोबारा नए सिरे से ट्रायल नहीं किया जाएगा। अब ये आर्टिकल उसी बात को लेकर क्लियर कर रहा है कि अगर जो है किसी भी वजह से कोई भी एविडेंस ठीक तरह से रिकॉर्ड नहीं हुई तो इस बात को बुनियाद बनाकर किसी भी केस को नए सिरे से उसका ट्रायल नहीं किया जा सकता। अब ये देखिए हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है, ये कहता है कि द इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ द एविडेंस शैल नॉट बी द ग्राउंड ऑफ इटसेल्फ फॉर अ न्यू ट्रायल और अ रिवर्सल ऑफ एनी डिसीजन इन एनी केस इफ इट इज अपीयर टू द कोर्ट बिफोर विच सच ऑब्जेक्शन इज रेज्ड दैट द इंडिपेंडेंटली ऑफ द एविडेंस ऑब्जेक्टेड टू एंड एडमिटेड देयर वॉज सफिशियंट एविडेंस टू जस्टिफाई द डिसीजन or that if the rejected evidence had been received it out not to be have been worried the question, decision, yani agar jo hai misal ke taur par kisi bhi kisam ki koi aisi decision aisi koi jo hai evidence aa jati hai jisme question kiya gaya aur us question ko karne se reject kiya gaya lekin uska jawab record par aa gaya hai aur uske upar us decision ko jo hai yani us case ke जो फैसले को जो है उसको उसके ऊपर डिपेंड किया जा सकता है तो ये सफिशिएंट है कि अगर वो चीज रिकॉर्ड के ऊपर आ गई है तो। लेकिन अगर वो कोई ऐसा सवाल है कि जिसके रिजेक्ट करने के ऊपर जो है कोर्ट के फैसले पे कोई असर नहीं पड़ता, तब भी उसका रिजेक्ट हो जाना कोई मायने नहीं रखता। यानी अगर कोई इस तरह कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि जिसके अंदर कोई रिलेवेंट जो है एविडेंस आनी थी जो नहीं आ सकी, या कोई ऐसा क्वेश्चन था जिसका आंसर आना जरूरी था और वो नहीं आ सका, इस बात को बुनियाद बना करके जो है नए सिरे से ट्रायल नहीं किया जा सकता। यानी कोर्ट को अपने फैसले को उसी दायरे के अंदर रहते हुए करना है जो एविडेंस रिकॉर्ड पर मौजूद है। अब आगे हमारे पास 163 कहता है एक्सेप्टेंस और डिनायल ऑफ क्लेम ऑन ओथ। अब ये हमारी जो ऑन ओथ वाली बात है, ये जो हमारा आर्टिकल 163 कह रहा है, ये एक प्रैक्टिस है कोर्ट की। आप लोगों ने कभी सुना होगा कि जैसे जजेस कहते हैं कि आप कुरान के ऊपर हाथ रखकर स्पेशल ओथ ले, हम आपको जो है हक में फैसला दे देंगे। ऐसी सिचुएशन अगर कभी कोई कोर्ट में आ जाती है, अगर कोई शख्स ये एप्लीकेशन मूव करता है कि मैं स्पेशल ओथ लेने को तैयार हूं,
अगर अदर साइड भी वो स्पेशल ओथ लेती है तो आप उनको दे दें, नहीं तो मैं स्पेशल ओथ लेने को तैयार हूँ कि मेरा जो क्लेम है वो बिल्कुल ट्रू है और आप मुझे जो है मेरे क्लेम के ऊपर यानी ये मेरे फेवर में केस का फैसला दें। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर किसी को भी मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो ऑन ओथ, ये एक ऑप्शन हो सकता है लेकिन कंपल्शन नहीं है, ये किसी को कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो ओथ ले स्पेशल ऑन कुरान के, यानी जो कुरान पाक के ऊपर हाथ रखकर स्पेशल ओथ होता है उसके ऊपर जो है केस डिसीजन दे सकती है, यानी कोर्ट डिसीजन तो दे सकता है, ये बात अपनी जगह अटल है। और ऑन ओथ लिया हुआ डिसीजन सुप्रीम कोर्ट तक भी अपेल्ड हुआ है काफी केसेस के अंदर, ऐसा भी है। लेकिन हमारा ये आर्टिकल कहता है कि व्हेन द प्लेंटिफ टेक्स ओथ इन सपोर्ट ऑफ हिज क्लेम द कोर्ट शल ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्लेंटिफ कॉल अपॉन द डिफेंडेंट टू डिनाई द क्लेम ऑन ओथ। एप्लीकेशन देकर कहता है कि जरा मैं स्पेशल ओथ कुरान पाक के ऊपर हाथ रखकर क्लेम अपने जो भी मेरा केस है इसके लिए मैं कसम लेने को तैयार हूं, तो इस बात के ऊपर इस एप्लीकेशन पे कोर्ट कह सकती है कि जनाब डिफेंडेंट को कि आप जो है कुरान पाक के ऊपर हाथ रखकर इसका क्लेम डिनाई करें, या फिर अगर आप डिनाई नहीं करते तो हम फैसला प्लेंटिफ के हाथ हक में दे देंगे, ऐसी एक ऑप्शन दिया जा सकता है। लेकिन उसको कंपेल नहीं किया जा सकता, यानी कोर्ट ये ऑप्शन देगी डिफेंडेंट को कि आप अपना जो भी क्लेम है उसको आप ओथ के ऊपर जो है कसम खाकर कहें कि आप ठीक कह रहे हैं वो गलत कह रहा है, और इस बात के ऊपर कोर्ट को डिसीजन लेने का भी इख्तियार हासिल है। सब क्लास टू में कहता है द कोर्ट मे पास सच ऑर्डर एज टू कॉस्ट एंड अदर मैटर्स एज इट मे डीम फिट। अब आर्टिकल थ्री में उसमें सब क्लास थ्री में कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल अप्लाइज टू लॉज रिलेटिंग टू द एनफोर्समेंट ऑफ हुदूद और अदर क्रिमिनल केसेस, यानी ये जो स्पेशल प्रोविजन है ये खास तौर पर हुदूद लॉज के लिए नहीं है, ना ही इसका कोई ताल्लुक किसी और कानून के साथ, ये ऐसी सिचुएशन किसी भी केस में आ सकती है। इवन नार्कोटिक्स के केसेस एक टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ गए थे सेशन कोर्ट के अंदर, मेरी अपनी ही प्रैक्टिस की बात है, एक हमारे पास आए थे सिद्दीकी साहब कोई थे शफी सिद्दीकी ऐसे कोई नाम था उनका, वह यहाँ पर हमारे पास एक एज अ डिस्ट्रिक्ट जज आए थे, वो ये वाले नहीं थे जो हाई कोर्ट में अभी शफी सिद्दीकी साहब बैठे हुए, ये नहीं थे वो दूसरे कोई थे। तो उन्होंने जो है कहा कि जनाब जो शख्स जो भी मतलब पुलिस डिपार्टमेंट से आते थे वहां पर उसमें एज ए विटनेस कि आप कुरान पाक के ऊपर हाथ रखकर कसम खाएं कि ये जो नार्कोटिक्स का केस है ये सही है तो मैं इसको सजा दे देता हूँ, अगर आप इसको डिनाई कर दें तो मैं जो है इसको अक्विट कर देता हूँ। अब जब ये प्रैक्टिस शुरू हुई तो इसमें बहुत सारे लोगों को कन्विक्शंस आई और बहुत सारे लोग अक्विटल भी हो गए, क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर होते थे काफी सारे वो कहते थे जी हम तो कसम नहीं खाने को तैयार, बेशक आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दें, लेकिन वो कहते थे जाओ भाई वजू करके आओ कसम लेनी है। अब ये आम प्रैक्टिस थी उस जमाने में, बहुत ज्यादा एक जो है बहुत जमा हो गया था मतलब एक ढेर लग गया था केसेस का, तो फिर उन्होंने ये प्रैक्टिस शुरू की थी कुछ दिनों के लिए, तो उससे काफी बोर्ड भी कम हो गया था, वैसे एकदम से ढेरों केस डिसाइड हो गए थे, क्योंकि वैसे तो एविडेंस रिकॉर्ड करना ये बड़ा लंबा काम होता है। अब वो एक बंदा गया वजू करके आया और उसने कुरान पे हाथ रखकर कसम खाई कि हाँ जी ये केस सही है, तो जनाब उसको कन्विक्शन हो गई उसने, अगर और इसी तरीके से अक्यूज को भी कहा कि आप भी कुरान पाक पे हाथ रख के कसम खाएं कि ये केस झूठा है या सच्चा। अब वो कसम जो थी वो लोग जो ले रहे थे जो मतलब पुलिस ऑफिसर ले लेते थे या जो अक्यूज ले लेते थे जो भी उनका होता था उस तरह उसको डिसाइड करते थे, तो कानून अलाउ करता है इस बात की इजाजत देता है कि ऐसा किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे केसों में ऐसा करना शुरू कर दिया जाए, लेकिन ये प्रैक्टिस की जा सकती है जहां प्लेंटिफ का अपना अगर ओपिनियन हो तो। अच्छा जी अब आ जाते हैं आर्टिकल 164 पे, हमारा आज कोर्स हो जाएगा इंशाल्लाह कंप्लीट। हमारा आर्टिकल 164 कहता है प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस दैट हैज बिकम अवेलेबल बिकॉज ऑफ द मॉडर्न डिवाइसेस। अब ये हमारी फॉरेंसिक से रिलेटेड चीजें हैं सारी। ये आर्टिकल कहता है कि जनाब मॉडर्न डिवाइसेस टेप रिकॉर्ड हो गया, सीसीटीवी आपके फुटेजेस हो गए, सीडी में रिकॉर्डिंग हो गई,
या मोबाइल फोन में रिकॉर्डिंग हो गई, कंप्यूटर्स के अंदर कोई अगर रिकॉर्ड है, ऑनलाइन डेटा अवेलेबल है, ये सारी की सारी चीजें, या जैसे कि कई दफा तो काफी टाइम तक तो जो है फोटोग्राफ्स, प्रेस क्लिपिंग्स वगैरह जो है उनको भी मंगा लेते हैं, फिर उसका उनसे रिकॉर्ड एविडेंस मंगा ली जाती थी, या फिर जैसे जो है डीएनए जो था, डीएनए टेस्ट की जब तक अलग से जो है हमारे पास नहीं आया था एक सेक्शन, जैसे अभी तो उसके अंदर सीआरपीसी के अंदर जो है उन्होंने ऐड कर दिया है, लेकिन अब नहीं है वो, अपना पहले नहीं था, तो तब वो डीएनए टेस्टिंग भी इसी आर्टिकल के तहत प्रोड्यूस की जाती थी, या फिर जैसे पॉलीग्राफिक टेस्ट है वो इसी जो है उसके अंदर किया जाता है, ईमेल है आपकी, या फिर जो फैक्स के जरिए चीजें रिसीव होती हैं, या फिर इसके अंदर जो है हमारे पास ट्रेसेस आते हैं बुलेट के, या बैलिस्टिक एक्सपर्ट की जो रिपोर्ट आती है, या जो मेडिकल जो है वो एक्सपर्ट्स अपनी ओपिनियन देते हैं, तो ये सारी की सारी एविडेंस जो है वो पूरी इस आर्टिकल के अंदर आती है। अब वो कहता है कि इन सच केसेस एज द कोर्ट मे कंसीडर एप्रोप्रिएट, द कोर्ट मे अलाउ to be produced any evidence that may have become available because of the modern devices or the techniques. ये एक आर्टिकल है और इसका स्कोप इतना ज्यादा है कि सारा का सारा तकरीबन फॉरेंसिक किसी के अंदर फॉल होता है। सिर्फ हमारे पास आर्टिकल 59 और 60 जो है वो हैंडराइटिंग से रिलेटेड है, बाकी तो जितनी भी आ जाती है सबकी क्रेडिबिलिटी इसी में फॉल करती है। ठीक है, हमारा आज कोर्स कंप्लीट हो गया, हमारा ये कानून शहादत का आखिरी आर्टिकल था 165, तो उसका जो है वो ओवर रीड के मुतालिक है। ठीक है, कि तमाम जो भी ये कानून शहादत है उससे पहले मौजूद तमाम एविडेंस से मुतालिक कवानीन को ओवर रीड करेगा। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया सारा? जी यस मैम, अगर किसी को कोई सवाल जहन में हो, कोई क्वेश्चन हो किसी किस्म का, आप पूछ लें। अच्छा, अब ये अनऑफिशियली मैं आपकी क्लास जो है वो हमारा कोर्स